In this video, we will see the case study, lesson number 15, probability, class 10th math. Lesson number 15 is the last lesson of class 10th math, NCERT. तो ये आप मत समझना कि लास्ट लेसन है, ये टर्म फर्स्ट में नहीं आ रहा. लेसन नंबर 15 जो है वो टर्म फर्स्ट के सिलेबस में ही है. अब इसकी केस स्टडी देखेंगे हम. केस स्टडी 1. On a weekend, Rani was playing cards with her family. The deck has 52 cards. If her brother drew one card, 52 cards होते हैं, एक कार्ड जो है वो गिर गया. अब इसके क्वेश्चंस गिवन हैं प्रोबेबिलिटी के, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे केस स्टडी के. बट इससे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कार्ड्स कितने होते हैं, कितने कलर के होते हैं, कितने शूट्स के होते हैं. मैं आपको कार्ड्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूँ कि टोटल कार्ड्स जो होते हैं डेक के अंदर 52 होते हैं. दो कलर के होते हैं, रेड और ब्लैक. 26 कार्ड जो होते हैं वो रेड होते हैं और 26 कार्ड ब्लैक होते हैं. अब रेड जो होते हैं वो दो शूट के होते हैं, दो ही शूट के ब्लैक होते हैं. टोटल 4 शूट होते हैं डेक के अंदर और एक शूट के अंदर 13 कार्ड्स होते हैं. यानी कि रेड कलर के जो दो शूट हैं वो डायमंड, उसमें 13 कार्ड होंगे. दूसरा है हार्ट, उसमें 13 कार्ड होंगे. ब्लैक कलर के दो शूट हैं स्पेड, उसमें 13 कार्ड होंगे. क्लब, उसमें 13 कार्ड्स होंगे. यानी कि एक शूट के अंदर 13 कार्ड्स होते हैं. पूरी डेक के अंदर 4 शूट्स होते हैं. देयर आर 52 कार्ड्स इन अ डेक. और वो कार्ड होते क्या हैं, उन कार्ड होते हैं वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. जैक, किंग, क्वीन एंड एस. यानी कि ये 13 कार्ड्स डायमंड में भी होंगे, हार्ट में भी होंगे, स्पेड में भी और क्लब में भी. यानी कि एक जैसे 2 के जो है टोटल कार्ड 4 जो होंगे वो 4 होंगे, इसी तरह से 3 के 4 होंगे. मतलब एक 2 डायमंड में होगा, एक 2 हार्ट में होगा, एक स्पेड में और एक क्लब में. इसी तरह से 3, 4, 5. अब ये 3 जो है जैक, किंग एंड क्वीन, ये फेस कार्ड कहलाते हैं. इनको कहते हैं फेस कार्ड. तो एक शूट के अंदर 3 फेस कार्ड होते हैं. यानी कि 3 फेस कार्ड होंगे डायमंड के, 3 हार्ट के, 3 स्पेड के, 3 क्लब के. यानी कि देयर आर 12 फेस कार्ड इन द डेक. इसी तरह से हम देखें ये ए डिनोट करता है एस को. अब एस एक डायमंड के अंदर होगा, एक हार्ट के, एक स्पेड के और एक क्लब के. यानी कि टोटल जो होंगे वो 4 एस होंगे. इसी तरह से 4 10 होंगे, 4 9 होंगे. अब जो क्वेश्चन केस स्टडी के गिवन है उनको हम सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर. कि रेड कलर के किंग की गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. अब रेड किंग कितने होते हैं डेक के अंदर. दो शूट यानी डायमंड और हार्ट ये रेड कलर के होते हैं. तो एक शूट के अंदर एक किंग है तो दो शूट के अंदर दो किंग हो जाएंगे. प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला जो होता है वही टोटल आउटकम्स. टोटल तो 52 कार्ड्स हैं और 2 जो है वो रेड कार्ड हैं. जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे इसकी 1/26. जो प्रोबेबिलिटी होगी वो रेड किंग की वो 1/26 होगी. देखिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है. ठीक है, इसी तरह से फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड. अब फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम. देखिए एक शूट में 3 फेस कार्ड होते हैं, 4 शूट होते हैं. यानी कि टोटल जो होंगे फेस कार्ड वो 12 होंगे. 12/52, इसको 4 से काटेंगे, 4 3 12, और 4 1 4, 4 3 12, 3/13. तो फेस कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 3/13 होगी. ऑप्शन देखते हैं हम. ऑप्शन इसका डी जो होगा वो करेक्ट होगा. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हार्ट. मतलब हार्ट शूट का जैक गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. देखिए हार्ट एक शूट होता है, इसके अंदर एक जैक होगा तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/52 होगी. यानी कि रेड कलर जैक ऑफ हार्ट जो होगी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/52. इसमें ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 1/52. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड.
अब रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे हम। टोटल 52 तो रहेगा नीचे। अब रेड फेस कार्ड देखेंगे। देखिए दो शूट होते हैं जो रेड कलर के होते हैं, डायमंड और हार्ट। एक शूट के अंदर 3 कार्ड्स होते हैं तो दो शूट के अंदर 6 कार्ड होंगे, यानी कि 6/52। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 3 6, 2 2 4, 2 6 12। जो प्रोबेबिलिटी होगी रेड फेस कार्ड की वो 3/26 होगी। रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 3/26 होगी। 5, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड। अ स्पेड यानी कि स्पेड का कार्ड गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। स्पेड देखिए एक शूट है, इसके अंदर 13 कार्ड होंगे, 13/52। इट्स मीन दैट इसको हम सोल्व करेंगे तो 1/4 जो प्रोबेबिलिटी होगी वो स्पेड की वो 1/4 होगी, यानी कि 5 का डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब ये केस स्टडी 1, हमने इसके सारे क्वेश्चन कर लिए। अब हम जो है नेक्स्ट केस स्टडी पर चलते हैं। केस स्टडी 2, राहुल एंड रवि प्लान टू प्ले बिजनेस बोर्ड गेम इन विच दे वर सपोज टू यूज़ 2 डाइस। वो 2 डाइस को यूज़ कर रहे हैं। अब जब ये 2 डाइस को यूज़ करेंगे, 2 डाइस को जब एक साथ थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे। तो यानी कि एक डाइस को एक दफ़ा थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स जो होते हैं वो 6 होते हैं, और दूसरे को करेंगे, 2 को करेंगे तो कितना आएंगे, टोटल आउटकम्स जो होंगे वो 36 होंगे। तो 2 डाइस को जब एक साथ थ्रो करेंगे तो उस कंडीशन में टोटल आउटकम्स क्या होंगे, उनका सैम्पल स्पेस क्या होगा, यानी कि जो इवेंट्स आएंगे उनकी पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, वो पहले हम वो सैम्पल स्पेस बनाते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चंस बेस्ड हैं इस केस स्टडी पर उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। टोटल पॉसिबिलिटीज़ का मैंने सेट बनाया, पहले डाई पर बनाया तो दूसरे पे बनाया, पहले पे बनाया तो दूसरे पे 2 आ सकता है, पहले पे बना दूसरे पे 3 है, इस तरह 4 5 6। फर्स्ट डाई पर 2 है तो दूसरे सेकंड वन पर 1 है, दोनों पे आ जाएगा, फर्स्ट पे 2 तो सेकंड पे 2, ऐसे 2.3, 2.4, 2.5, 2.6। देयर आर 36 पॉसिबिलिटीज, यहाँ पर 36 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। अब इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1, रवि गोट फर्स्ट चांस टू रोल द डाइस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही गोट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपेयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द फेस ऑफ द डाई इज 8। यानी कि दोनों नंबर जो आए हैं डाई के ऊपर, उन दोनों नंबर का सम 8 है, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सम 8 के लिए देखो टोटल आउटकम्स जो होंगे वो 36 होंगे। अब इनमें से हम उन आउटकम्स को सिलेक्ट करेंगे जिन पे डाई पे जो नंबर आ रहे हैं उन दोनों का सम 8 है। अब देखिए पहला तो इसमें यह आएगा 2.6, 2+6 8 होगा, सेकेंड वन 3.5, 4.4, 5.3 एंड 6.2। देखिए 5 ही इवेंट ऐसे होंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5, जिनका सम 8 आएगा। तो सम 8 आने के, यानी कि दोनों डाई पर जो नंबर आए उन दोनों नंबर का जो सम होगा वो 8 होगा, वो 5 इवेंट होंगे, 5/36। ठीक है, इट्स मीन दैट बी ऑप्शन जो होगा इसका वो करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, राहुल गोट नेक्स्ट चांस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही गोट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपेयरिंग ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाइस इज 13। के सम जो आए डाइस के ऊपर उनका सम 13 होना चाहिए, यानी सम 13 हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सम 13 के लिए टोटल आउटकम से मैंने 36 लिखे। अब ये इवेंट आपको गिवन है, इन इवेंट में से आपको कोई इवेंट सिलेक्ट करना है जिन दोनों नंबर का, जो जिन इवेंट पर नंबर का सम 13 आए। देखिए लास्ट वाला इवेंट जो 6.6 है, 6 को 6 के साथ प्लस करेंगे तो 12 आएगा, यानी कि मैक्सिमम सम जो आ सकता है वो 12 आ सकता है, 13 नहीं आने का। ये इम्पॉसिबल इवेंट हुआ तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स 0 हो गए, 0/36 इज इक्वल टू 0, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं।
फोर्थ ऑप्शन जो होगा क्वेश्चन नंबर टू का डी वो करेक्ट होगा। ठीक है, नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। नाउ इट वाज रवि स्टर्न, ही रोल्ड द डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गोट द सम ऑफ द टू नंबर अपेयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द फेस ऑफ द डाइस इज लेस देन और इक्वल टू 12। यानी कि डाई के ऊपर जो नंबर आया उन दोनों का सम लेस देन इक्वल टू 12 हो, समाना चाहिए लेस देन इक्वल टू 12। लेस देन इक्वल टू 12 का मीनिंग हो कि सम 12 हो या उससे कम, उससे कम सम 12, 11, 10, 9, सम 2 तक आ सकता है। यानी कि फेवरेबल आउटकम्स में सारे आउटकम्स आ जाएंगे 36/36। यानी कि ये श्योर इवेंट होगा और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 होती है। इसका ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4। राहुल गोट नेक्स्ट चांस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गोट द सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाइस इज इक्वल टू 7। अब सम जो आए दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आए उन दोनों का सम 7 हो उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट वी सिलेक्ट द इवेंट हू सम इज 7। अब देखते हैं, देखिए 7 जिनका सम है, एक इवेंट तो ये आ जाएगा 6,1, 6+1 7, 5+2 7, 4+3 7, 3+4 7, 2+5 7 और 1+6 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी कि 6 आउटकम्स होंगे, यानी कि 6 इवेंट होंगे जिनका सम, मतलब जिनका सम 7 होगा। तो 6 ऊपर रखेंगे 36 टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 1/6 जो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी, यानी कि सम 7 आने की 1/6 होगी। क्वेश्चन नंबर 4 का यानी कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ इट वाज रवि स्टर्न, ही रोल्ड द डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गोट द सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द टॉप फेस ऑफ द डाइस इज ग्रेटर देन 8। यानी कि सम जो आए 8 से ज़्यादा आए, यानी कि 9, 10, 11, 12, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी सम ग्रेटर देन 8, टोटल आउटकम्स तो हम नीचे रखेंगे, दे विल बी 36। अब हम उन इवेंट को तलाश करेंगे जिनका सम 9 है, 10 है या 11, 12 है। अब देखिए 6+3 9, 1, 4+5 9, 2, 5,4 एंड 6,3, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी कि 4 इवेंट वो होंगे जिनका सम 9 होगा, 3 इवेंट वो होंगे जिनका सम 10 होगा, 2 इवेंट्स वो होंगे जिनका सम 11 होगा और 1 इवेंट वो है जिसका सम 12 है। यानी कि टोटल 10 है ये, तो 10/36। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको 2 5 10, 2 1 2, 2 8 16, 2 8 16। यानी कि प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/8, सम ग्रेटर देन 8 की प्रोबेबिलिटी 5/8। इसमें देखिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो आ गई वो 5/8 है। अब जो चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी पर जो केस स्टडीज़ हैं वो हमने सॉल्व कर ली, ओके। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की केस स्टडीज़ के बारे में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।